ओके सो हे गाइस, वस्सा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो हमारा कंसेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज़ करूँगा, सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप सिंपली वीडियो देखने बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। तो चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो हम अपने इस मॉडल का जो बैकग्राउंड है इसको इरेज कर लेंगे। एंड इसको इरेज करने के लिए हम ले जाएंगे यहाँ से हम इसको ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस, हम यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे। एंड गाइस, उसके बाद हम फोटो यहाँ पे जूम कर लेंगे फटाफट। एंड यहाँ से फटाफट से हम इरेज कर लेंगे, ठीक है गाइस? तो आप सभी कुछ इस टाइप से फटाफट से इरेज कर लेना है। एंड गाइस, जो मतलब कि जिसको फोटो का बैकग्राउंड इरेज करने में प्रॉब्लम आती है, जो जिसको नहीं आता है, उसके लिए मैंने गाइस तीन वीडियो बना रखी है, और तीनों वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। तो आप तीनों वीडियो में से जोन से आपको बेस्ट लगे या जौन सा स्टेप आपको ईजी लगे, आप उस स्टेप को देख के आप फोटो का अपना बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, ठीक है गाइस? सो फाइनली हमने यहाँ पे फोटो का बैकग्राउंड इरेज कर लिया है। तो आप क्या करेंगे गाइस, हम यहाँ से सिंपली अपने इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेंगे। एंड गाइस, इस बैकग्राउंड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है? तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। एंड इस फोटो को लेकर जाना आप सभी को ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस, आप सबको जाना ऐड फोटो में। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सभी को यहाँ से ले लेना अपने इस मॉडल को। मॉडल को लेने के बाद गाइस, आप सबको फिर क्या करना है, आप सभी को एक बार टैप करके यहाँ पर डन करना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को मॉडल को जो है कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर लगा देना है, ठीक है? साइज वगैरह जो भी आप अपने देख लेना। अगर आपसे दो भाई से लंबे होंगे तो यार उसके हिसाब से ही रख लेना, ठीक है यहाँ पे? बट जो मतलब हिम्मत भाई है, ये तो थोड़े छोटे ही हैं। इनके जो रियल पोस्टर्स में भी इन्हें ऐसे कुछ लगाया था, तो मैं भी कुछ इस टाइप से लगा दूंगा, ठीक है? बट मेरे को नहीं पता है कि हिम्मत भाई उनसे बड़े हैं, मतलब ये हाइट में बड़े हैं या छोटे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इतना कर देने के बाद आपसे गाइस फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है ऐसे एक एम्प्टी लेयर बना लेनी है। एंड इस लेयर को ले जाना अपने मॉडल के नीचे। एंड ऐसे गाइस, आपसे वो ब्रश को सिलेक्ट करना है। एंड साइज को आप ओपेसिटी को अराउंड 26 तक, एंड साइज को कुछ 100 तक रख लेना, ठीक है? एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है। एंड यहाँ पे गाइस, आप उसको परफेक्ट तरीके से एकदम शेडो क्रिएट कर लेनी है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अच्छे से एक बारी यहाँ से शेडो बना लेता हूँ। एंड गाइस, जिसको भी शेडो बनाने में या कुछ मतलब कि रियलिस्टिक तरीके से शेडो बनानी सीखनी है, तो उसके लिए भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है। एंड उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उस वीडियो को चेकआउट जरूर करना, आपको उससे भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिए गाइस, अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे शेडो भी क्रिएट कर दिया है, तो अब क्या करना है, आप उसको यहाँ से सिंपली यहाँ पे इसकी थोड़ी सी ओपोसिटी यहाँ पे कम कर लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे डन कर देते हैं। एंड डन कर देने के बाद गाइस, आप सबको यहाँ से जाना ऐड फोटो में। एंड यहाँ पे आप सभी को गाइस एक पीएनजी मिल जाएगा, ठीक है? आप सभी को उस पीएनजी को सिंपली ऐड करना है। एंड गाइस, ये पीएनजी मैं अपने मैक्सिमम फोटो में यूज़ करता हूँ। एंड ये क्यों करता हूँ आप सभी को पता ही होगा, ठीक है? तो इसको जिस टाइप से लगा लेना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को यहाँ से चले जाना है ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस, जाना एडजस्ट में। एंड इसकी जो वराइटनेस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड रिजर टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना है। ब्रश को लेना है, इसका साइज को छोटा कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सभी को अपनी फोटो को जूम करना है। एंड कुछ इस टाइप से आप सभी को पेंट कर देना है, ठीक है? अपने मतलब की बॉडी के ऊपर डोजन बन करना है। एंड गाइस, इससे ये होगा कि मतलब कि आपकी जो फोटो है एंड जो मॉडल है दोनों, वो आपके ग्लो करेंगे, और वो दोनों ग्लो करेंगे तो सेम लगेंगे, तो ये गाइस फेक नहीं लगेगा फिर, ठीक है? तो आप सभी को ये ग्लोइंग इफेक्ट जरूर डालना अपनी अपनी बॉडी के ऊपर। एंड यहाँ पे हम सिद्धू भाई के ऊपर भी थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट डाल देते हैं। तो आपको भी ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है? तो इससे क्या है कि यार फोटो में एक मतलब कि नेक्स्ट लेवल लुक आती है, तो इससे आप सभी को ये करना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो यहाँ पे जो मेरा एक्स पेंट हो गया, तो मैं उसको रेज कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे सिंपली डन कर देंगे, ठीक है? उसके बाद आप सबको यहाँ पे सिंपली इस फोटो को अपनी सेव कर लेना है। एंड इसको ओपन कर लेना अपने लाइट रूम ऐप में। एंड गाइस, यहाँ पे जो हमारी फोटो ऐड हो चुकी है, तो अब आप सभी को करना क्या है, आप सबको जाना लाइट वाला ऑप्शन में। कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा देना है, हाईलाइट को जो है थोड़ा सा मतलब कम कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद जो शेडो है इसको आपको इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो वाइट है इसको भी इंक्रीज़ कर देना है। एंड ब्लैक को भी इंक्रीज़ कर देना है। एंड जाना आप सभी को कलर्स वाले ऑप्शन में। फोटो को जो वाइब्रेशन है इसको बढ़ा देना है। एंड जो टेम्परेचर है आप सभी को उसको माइनस कर देना है। एंड जाना गाइस आपको कलर मिक्स में, ठीक है? एंड उसके बाद ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, इसके सैचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर देना है, ठीक है? एंड उसके बाद येलो कलर को सिलेक्ट करना है, इसका ह्यू को माइनस, सैचुरेशन को प्लस, ठीक है? एंड उसके बाद आप सबको ब्लू कलर में जाना है, इसका ह्यू माइनस कर देना है। एंड सेकंड ब्लू में जाना है, इसका भी ह्यू माइनस कर देना है। एंड गाइस, आप चाहो तो इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आप थोड़ा सा माइनस कर लेना, ठीक है? इतना करने के बाद आप सबको जाना है ऐसे कलर्स के नीचे वाले टूल में। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको फोटो की जो क्लियरिटी है उसको बढ़ा देना है। एंड जो वीगनेट है इसको हल्का सा कम कर देना है। एंड उसके बाद गाइस, आप सबको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है। एंड जाने गाइस नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस है इसको इंक्रीज़ कर देना है। एंड जो नो रिडक्शन आप सबको उसको भी बढ़ा देना है। एंड गाइस, जो कलर नो रिडक्शन आप सबको उसको भी बढ़ा देना है। एंड गाइस, उसके बाद आप सबको जाना सेलेक्टिव टूल में। एंड यहाँ पे हम प्लस को सेलेक्ट कर लेंगे, सर्कल वाले ऑप्शन को लेंगे। एंड इसको हम हिम्मत भाई के ऊपर रखेंगे, ठीक है? एंड उसके बाद जो इसका एक्सपोजर है हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे। एंड गाइस, उसके बाद हम इस पर प्रेस करके रखेंगे। एंड इसको हम डुप्लीकेट कर लेंगे। एंड इसको बाद हम ले जाएंगे हम सिद्धू भाई के ऊपर, ठीक है? कुछ इस टाइप से है ना गाइस, तो इस टाइप से कर लेना है। एंड डन कर देना है। एंड उसके बाद अगेन जाना है सिलेक्ट रूल में, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन को लेना है। एंड नीचे से कुछ इस टाइप से लेकर आना है, इसका एक्सपोजर यहाँ पे कम कर देना है। एंड यहाँ पे कर देना है डन। एंड गाइस, देखिए फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस, आशा करता हूँ यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।